हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डी ह्यूमिडिटीफायर। जी हाँ, ये मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लांटों में लगाया जाता है। ये वैसे तो बहुत महंगी मशीन है डी ह्यूमिडिटीफायर, लेकिन हमने ये देसी एक सिर्फ अपना देसी तरीका है उस तरीके से ये बना रखा है। एक विंडो एसी ले रखा है, विंडो एसी की दोनों कॉयलें, हीटिंग कॉयल और कूलिंग कॉयल दोनों ले रखी हैं, हीटिंग और कूलिंग कॉयल ले रखी है इस तरीके से। हीटिंग और कूलिंग कॉयल लेके और इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, देख सकते हो फर्स्ट क्लास ये चल रहा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि ये लीक हो गया था। इसमें गैस चार्जिंग चल रही है, गैस डल रही है, थोड़ा सा गैस चार्जिंग लीकेज सही करके गैस पड़ गई है। ह्यूमिडिटी फायर है ये अपने हाथ का बना हुआ है। ये कंप्रेसर, इसमें 2 टन का रेसिव कंप्रेसर लगा रखा है, बहुत ही शानदार। इसमें ये यहाँ से ये कूलिंग कॉइल हुई, ये कूलिंग कॉइल है यहाँ, और ये आगे वाली ये हीटिंग कॉइल है। कंप्रेसर हो गया, गैस चार्जिंग पूरी तरीके से, फुल गैस निकली भी नहीं थी इसलिए इसको वैक्यूम करना कोई खास ज़रूरी काम नहीं था, सिर्फ गैस टॉपअप ही करनी थी। ये ह्यूमिडिफायर है और देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, कुछ समझते होंगे विंडो एसी है क्या है क्या नहीं है, अजीब सा ही है। नीचे पूरा स्टैंड लगा रखा है पूरा, अगर कभी यार किसी को ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी कोई दिक्कत आसान होने वाली बात नहीं है। दोनों कॉइलों को एक साथ लगाना है, सामने से एक एडजस्टमेंट लगा देना है, बस हो गया, मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल विंडो एसी की जैसे ही एकदम से कूलिंग इसके अंदर आएगी। हो गई,